You're watching White News. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं White News. मैं हूं सलमा कौसर. जंग की तारीख हमेशा फातेह कौम लिखती है. नस्ल इंसानी ने आज तक जितनी जंगें लड़ी हैं उनमें काबिज फौज खुद को हीरो और हारने वालों को सालिम के रूप में पेश किया. 1971 की पाक भारत जंग की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है. 1971. इस जंग में पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान पर यकतरफा बेबुनियाद इल्जाम लगाने का सिलसिला जारी है, लेकिन आज के दौर में हालात बहुत बदल चुके हैं. जदीद सर्च इंजन और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने तारीख के कब्रिस्तान में दफन हकायक को सामने लाना बहुत आसान बना दिया है. आज वाइट न्यूज 1971 की जंग के हवाले से ऐसे ही कुछ हकायक आपके सामने लाएगा. बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि 1971 की जंग खत्म होने के 5 माह तक भारतीय फौज बांग्लादेश में रही. इन चंद महीनों में भारतीय फौज ने बांग्लादेश में जो लूट मार की उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती. भारतीय फौज की इस लूट मार पर बांग्लादेश की गुरीला फोर्स मुक्ति बाहिनी के कई कमांडर्स ने एहतजाज भी किया, लेकिन या तो उनको मार दिया गया और या फिर गिरफ्तार कर लिया गया. मुक्ति बाहिनी के कमांडर मेजर अब्दुल जलील को दिसंबर 1971 में भारतीय फौज की जानिब से गिरफ्तार करने का वाकया पेश आया. मेजर अब्दुल जलील का कसूर ये था कि उन्होंने भारतीय फौज की जानिब से अरबों डॉलर के सामान को भारत मुंतकिल किए जाने पर शदीद एहतजाज किया था. मशहूर बरतानवी सहाफी मार्टिन वोलाकोट ने 21 जनवरी 1972 की गार्डियन अखबार में रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश में भारतीय फौज की मुनज्जम लूट मार ने बांग्लादेश सिविल सोसाइटी को गुस्सा और मुश्तइल कर दिया है. मार्टिन वोलाकोट के मुताबिक ज्यादातर जिले इंतजामिया के पास सुनाने के लिए ऐसी ही कहानियाँ थी. हिंदुस्तान के मशहूर इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर अमृत्या सेन ने अपने 1974 के एक रिसर्च पेपर में लिखा कि हिंदुस्तानी फौजियों ने 750 मिलियन डॉलर मालियत के 87 टैंकों समेत बेशुमार दिफाई सामान बांग्लादेश से भारत मुंतकिल किया. एक हफ्तावार इंडियन बंगाली मैगजीन अनीक ने अपनी 1974 की इशात में लिखा कि हिंदुस्तानी फौज ने बांग्लादेश से 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा सामान की लूटमार की. सवाल ये है कि भारत जो बांग्लादेश की आज़ादी के हवाले से अपनी खिदमात बयान करने में कोई मौका जाने नहीं देता, वो अपने सिपाहियों के जराइम पर बांग्लादेश से माफी मांगेगा?